भाई तो आप करते ही नहीं आए हो ना। और आप इंजीनियरिंग में पहुंचे, वो भी किसी उम्मीद के साथ। कोई बहुत अच्छा कॉलेज तो होगा नहीं, और बहुत अच्छे तुम छात्र भी नहीं, तो घुसे हो। साल भर में बात समझ में आ गई है कि जो उम्मीदें लेकर के आए हो वो यूं ही थी, देवा स्वप्न पूरी होनी नहीं है। पढ़ने में बहुत रुचि तुम्हारी पहले भी नहीं थी, और अब उम्मीद टूटी है तो एकदम ही नहीं बचेगी। तो ये है कहानी। इसमें तुम मुझे समझा क्या नहीं पा रहे थे बेटा? सर मैं लेकिन पढ़ना चाहता हूँ अभी, मैं पुस्तकों के साथ मौज मांगना चाहता हूँ। मौज तो तभी मिलती है जब पहले उनमें घुसते हो, उनके साथ समय बिताते हो। और आप उनके साथ समय नहीं बिताओगे अगर समय बिताने के पीछे कोई कारण है। कारण लगेगा अभी है, थोड़ी देर में पता चलेगा कि जो कारण है वो सिद्ध नहीं हो सकता, तो तुम्हारी रुचि खत्म हो जाएगी। कारणवश प्रयोजनवश जो भी काम करोगे उसमें बहुत जान थोड़ी होगी। उसके लिए तभी तक प्रेरित रहोगे जब तक लगेगा कि तुम्हारी आशा पूरी हो सकती है। जैसे ही एहसास होगा कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, वैसे ही सारी प्रेरणा छूम अंतर हो जाएगी, कोई ऊर्जा नहीं बचेगी, काम करने का मन नहीं करेगा। पुस्तकों के साथ मौज मनाना तो उसके लिए है ना जो अकारण पढ़ता हो, निष्प्रयोजन पढ़ता हो। तुम भी निष्प्रयोजन हो जाओ, तुम भी मौज मनाओगे। ये उम्मीद मन से बिल्कुल निकाल दो कि पढ़ाई नौकरी की खातिर होती है, फिर पढ़ने लग जाओगे। सर आपको सुना है, आपकी ये बातें सुनी है सर, फिर भी मैं पढ़ नहीं पाया। क्योंकि तुम पढ़ते तो कभी भी नहीं थे। पढ़ते तो बेटा तुम कभी भी नहीं थे। मेरी बातें सुनने भर से तुम निष्प्रयोजन थोड़े ही हो गए हो। ये क्या लिखा है इस पोस्टर पे? Opinions are the enemy of truth. जो एक वाक्य पढ़ सकता है वो एक चैप्टर भी पढ़ सकता है। इतना पढ़ लिया तो और क्यों नहीं पढ़ सकते? व्हाट्सएप पढ़ते हो कि नहीं? होल्डिंग पढ़ते हो कि नहीं? बाजार में निकलते हो तो बैनर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो ये सब पढ़ सकते हो तो एक चैप्टर क्यों नहीं पढ़ सकते? छोड़ो एक चैप्टर भी, किताब का एक पैराग्राफ क्यों नहीं पढ़ सकते? या नहीं पढ़ सकते? सब पढ़ सकते हो ना, बस इसको पढ़ने में कोई प्रेरणा नहीं है, इसको पढ़ने के पीछे कोई लोभ वगैरह है नहीं, तो आसानी से पढ़ लिया। किताब अब बोझ की तरह लगती है क्योंकि किताब के साथ पहले उम्मीद जोड़ी थी, इसरो जाऊंगा मैं, एरोनॉटिक्स करूंगा, ये होगा वो होगा, वो उम्मीद अब दिख रहा है कि नहीं पूरी होगी, तो इसीलिए तुम्हारा मन उठा हुआ है। ये तो पढ़ना कौन से बड़ा हुआ, तो जितनी चीजें लिखी सब पढ़ डालो, देखो पढ़ ले रहे हो ना। कॉलेज में खेलने कूदने की कुछ व्यवस्था है? खेला कूदा करो। कॉलेज में जितना भी कोकरिकुलर एक्टिविटीज का साधन उपलब्ध हो उतनी कोकरिकुलर एक्टिविटीज करो और करो। तुम्हारा शरीर अभी बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जैसा नहीं है। तुम अगर मुझसे कहते कि तुम अभी टेंथ में हो तो मैं मान लेता। शरीर को और विकसित करो। और अब जब किताबों के पास जाओ तो ये मान कर जाओ कि इनके माध्यम से तो नौकरी नहीं लगनी है। उनको वैसे ही पढ़ो जैसे कोई पोस्टर पढ़ता है, जैसे कोई उपन्यास पढ़ता है। इससे कहानी की तरह पढ़ो किताबों को, फिर दिक्कत नहीं आएगी। सर क्या वही कारण था कि जीवन में मौज नहीं है, एंजॉयमेंट नहीं? बेटा मौज तुम्हारे लिए सिर्फ अभी एक नाम है, एक शब्द है जो आकर्षण लग रहा है। मौज होगी, मौज होगी, मौज होगी।
अभी तुम उसको हटाओ कि मौज होगी, अभी तो बस ये देखो कि बिल्कुल तुम्हारे समीप ऊब कहाँ है, बोरियत कहाँ है, अविकास कहाँ है। पहला अविकास तो शरीर के ही तल पर है, उसको दूर करो। मौज कोई मस्ती नहीं होती है कि सड़क पर घूम रहे हैं और अपना उछल कूद मचा रहे हैं, वो सब तो मौज होती नहीं। मौज तो आदमी की सहज और स्वभावगत हालत होती है। तो मौज को लाने जैसा कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। हाँ, जो चीजें तुमको अर्ध विकसित या ग्रंथिग्रस्त बनाए हुए हैं, जिनकी वजह से तुम छोटे हो, संकुचित हो, सीमित हो, उन चीजों को दूर कर दो। ठीक है, तुम्हारी हालत अभी ऐसी है कि जैसे किसी ने जीवन में कुछ पाया ना हो, कुछ कमाया ना हो, पात्रता ही ना अर्जित करी हो, और उसके बाद वो एक आशा रखे और जल्दी ही ये सिद्ध हो जाएगी वो आशा पूरी वाली होने वाली है नहीं। पात्रता नहीं है तो आशा वैसे भी पूरी हो नहीं सकती है, तो फिर वो और कुंठित और निराश हो जाए। पात्रता बढ़ाओ, आशाएं रखना बिल्कुल छोड़ दो। प्लेसमेंट चौथे साल के बाद होता है, तुम अभी से कहाँ सोचने पर बैठ गए पहले साल दूसरे साल में कि मेरी नौकरी यहाँ लगेगी वहां लगेगी। सर क्या एक्सेलेंस की आशा रखना भी गलत है? एक्सेलेंस करनी पड़ती है, आशा से थोड़ी आती है। करो, अभी तो कह रहे हो पढ़ नहीं पाता हूँ, फिर बात कर रहे हो एक्सेलेंस की आशा रखनी है। ये तुम एक सिरे से दूसरे सिरे पे कूद लगा रहे हो बस। किसी ने 60-70% कुछ कर रखा हो और फिर वो कहे कि मुझे एक्सेलेंस चाहिए 90% वाली, तो उसकी बात समझ में आती है। जो कह रहा हो कि मैं तो किताब पढ़ना शुरू ही नहीं करता, वो फिर बात करे एक्सेलेंस की, तो ये बात व्यर्थ है ना। हम जो बातें करते हैं उन बातों का हमारी जिंदगी से बहुत कम संबंध होता है, हम बस बातें करते हैं, हमें देखते ही नहीं है कि हम कौन हैं और खड़े कहां पर हैं। हमारा ऐसा होता है कि जैसे हम थार के रेगिस्तान में खड़े हैं और बातें कर रहे हैं हिमालय के जंगलों की। तुम कौन हो, तुम्हारी हालत क्या है, तुम कहां खड़े हो भाई, थोड़ा तो देख लो। तुम अभी नौकरी इत्यादि बिल्कुल भूलो, तो अभी अपने शारीरिक मानसिक विकास पर ध्यान दो। खेला कूदा करो, शरीर को तगड़ा करो, और जितना ज्यादा पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी ज्ञान इकट्ठा कर सकते हो करो, अपने आप को बनाओ, बढ़ाओ। किताबों से तुम्हारा बहुत स्नेह कभी नहीं रहा, मैं पाठ्यक्रम की किताबों की बात कर रहा हूँ, तो उनको तुम उपन्यास की तरह ही पढ़ डालो। पास होने लायक नंबर तो तुम ले ही आओगे, पास होते चलो, लेकिन साथ ही साथ अपना निर्माण करते चलो, अपने आप को बनाओ थोड़ा। दिमाग में ज्ञान होना चाहिए, अर्थव्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, दुनिया की राजनीति कैसे चल रही है, खेलों में क्या हो रहा है, किस देश में किस तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं, तमाम धर्म हैं ये सब क्या कहते हैं, देशों का, जातियों का, समुदायों का इतिहास क्या रहा है, विज्ञान में, तकनीक में नया क्या हो रहा है, ये सब ज्ञान रखो। इससे मन जरा तीव्र होता है। और दूसरी बात, हम कह ही रहे हैं बार बार कि अपने शरीर पर ध्यान दो। ठीक है, किताब कहानी तुमसे नहीं पढ़े जाते, तुम उनको ऐसे ही पढ़ लो, किस्सा पढ़ रहा हूँ, कहानी है। और बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में गहराई मत देखो जहाँ गहराई है ही नहीं। कुछ मामले इतने गहरे नहीं होते कि उनका गहरा इलाज करना पड़े।
माथे पर अगर मुहासा निकल आएगा तो ब्रेन सर्जरी थोड़ी कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगी ना। तुम्हारी समस्या इतनी गहन गंभीर नहीं है कि उसका कोई आध्यात्मिक इलाज हो, सीधी सी बात है। कॉलेज में हो, इस समय का पूरा पूरा सदुपयोग करो, ठीक है। देखो अहंकार छोटा है तो उसे सदा किसकी तलाश है कि अपना छोटापन दूर कर सकूं। तो बड़ा मजा आता है अपनी समस्याओं को भी बड़ा बताने में कि अरे साहब तुम्हारी क्या समस्या है, हम अपनी बताते हैं, तुम छोटे लोग, तुम्हारी छोटी समस्या है, हमारी समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी है। देखा है लोगों को कितना अद्भुत आनंद पाते हैं अपनी बड़ी बड़ी समस्याएं बताने। मेरी समस्या पूछिए, आपका कुत्ता भाग गया, मेरा बेटा भाग गया, आपकी कोई समस्या है, आपकी चप्पल नहीं मिल रही, मेरी बीवी नहीं मिल रही, कोई समस्या है आपकी, बहुत छोटी सी बात है, उसको विराट रूप मत दो। खेलो और पढ़ो, और मैं कह रहा हूं कि पाठ्यक्रम की किताबें तुम उतनी ही पढ़ लो कि पास हो जाओ बस, और बहुत कुछ है दुनिया में पढ़ने लायक, उसको पढ़ो। देखो पाठ्यक्रम की किताब पढ़ के वैसे भी तुम्हें बहुत लाभ होना नहीं है, जैसा तुमने अभी तक पाठ्यक्रम के साथ न्याय किया है, और मैं समझता हूँ जैसा तुम्हारा कॉलेज है, तो बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ के वैसे भी तुम्हारा कोई कल्याण हो जाने वाला नहीं है। तुम ले आ लोगे 75-80% भी तो क्या हो जाएगा, उससे अच्छा ये है कि तुम अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर लो। छोटे मोटे कॉलेज में तो जो टॉपर भी होता है उसको मिल क्या जाता है, क्या मिल जाता है। तो तुम किताबें रट रट के अपने डिपार्टमेंट के अग्रणी भी हो गए, नंबर एक टॉपर भी हो गए, तो करोगे क्या, डिग्री लटकाए घूमोगे। लेकिन पास हो लेना, ये ना हो कि स्मृति पर एक धब्बा लगा लिया कि पढ़ने गए थे वहां से निकाल दिए गए क्योंकि फेल हो रहे थे। आमतौर पे जो साधारण इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं वहाँ कोई भी एक्सीलेंट नहीं होता, वहाँ सब ऐसे ही होते हैं, घुसते हैं निकलते हैं, आते जाओ निकलते जाओ, बस आते समय इतनी उम्र थी, जाते समय उससे 4 साल ज़्यादा होती, कई बार 5 या 6 साल ज़्यादा होती। तो तुम किस बड़े अभियान में लग गए हो कि मैं कॉलेज में हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा, ना तुमने कभी पढ़ाई की, ना तुम्हारे पूरे डिपार्टमेंट ने कभी पढ़ाई की, ना उस कॉलेज में आज तक कोई पढ़ता है, अरे और तो छोड़ दो तुम्हारे प्रोफेसरों ने भी कभी पढ़ाई नहीं करी, अब तुम अपनी विकराल समस्या लेके आ गए हो कि पढ़ा नहीं जा रहा, तुमसे कह कौन रहा है पढ़ने के लिए, ज़्यादा पढ़ोगे तुम्हें निकाल देंगे। छोटे कॉलेजों में ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं लड़के, खतरा बन जाते हैं, कहते हैं ये टीचर को बड़ी असुविधा होती है भाई, वो पढ़ाने आया है, ये पहले ही इन्होंने कुछ अंडबंड सवाल पूछ दिए, वो निकाल और दिए जाते हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम बड़े अग्रणी हो जाओ पढ़ाई लिखाई में, छोड़ो वो वैसे भी तुमने कभी किया नहीं ना, उसका तुम्हारा मन है, पास कर लो जब घुसे ही हो, और ऐसी कोई महत क्रांति अभी तुमसे हो नहीं रही है तो तुम एक डिग्री ले लो हाथ में, ठीक है, और इस समय का सदुपयोग कर लो। कोई बहुत भारी लक्ष्य पा जाओ जीवन में तब आना मेरे सामने, तो मैं ये भी कह दूंगा कि तुम छोड़ो कॉलेज वगैरह, आजादी की लड़ाई है, तुम भी क्रांति का झंडा फहराओ, पर ना कोई महत् लक्ष्य है, ना किसी आज़ादी की लड़ाई है, ना कोई महाक्रांति यहाँ हो रही है, कॉलेज है, कॉलेज ही कैंटीन के पास ही समोसे हैं, और यही ज़िंदगी है। इसमें मैं कौन सा तुमसे कहूँ कि तुम रणभेरी बजाओ और
शंख फूको, पास हो जाओ, यही बड़ी बात है। वजन कितना है बेटा? 60। अगली बार 65 में मिलना, वो ज्यादा बड़ा सवाल है। 65 पे मिलना, मूछें घनी करके आना और बाजू थोड़े और मोटे होने चाहिए। पढ़ो चाहे नहीं लिखो, ये सब करके आना, ठीक है?